क्लास एट फ्रॉम कॉर्डोवा, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इसके आइडेंटिटीज़, क्योंकि अगर आइडेंटिटीज आप नहीं जानते तो ये आपका एक्सरसाइज बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, देन आफ्टर हर आपका क्वेश्चन आपके लिए एक ईजी वे पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। सो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम यहां पे राइट कर देते हैं आइडेंटिटीज। आई थिंक सिक्स क्लास, फ्रॉम सिक्स क्लास टू इन्फिनिटिव, जहां तक आप पढ़ेंगे ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें ये फार्मूला अप्लाई ना हुआ हो, ये बात याद रखिएगा। इसलिए ये फार्मूला को आप अपने माइंड में ज़रूर स्टोर करें। बाकी मैथ्स में कोई फार्मूला नहीं होता, इसे अगर हम टू टाइम्स इनटू करें तो यही मिलेगा जो हम लिखने वाले हैं। ए प्लस बी टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको इनटू करें ए प्लस बी से ए प्लस बी का, तो हमें रिजल्ट यही मिलेगा। तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम एक सेटअप करते हैं जो हम जल्द से जल्द कर सकें। सेकेंड, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये दोनों फार्मूला आपको सेम दिखेंगे, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सेम इसके वेरिएबल्स आप शो कर दीजिए, सेम। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सेम साइन रहेगा, बस इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्लस है यहाँ पे, माइनस। लेकिन ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला थर्ड है, ये बात याद रखिएगा। ये किस साइड से लग जाएगा कोई नहीं जानता, बस हमें नज़रबाज की तरह रखनी होगी। कैसे, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, अगर इन दोनों का स्क्वायर हटा दें तो हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप a माइनस बी ए प्लस बी बोलिए, a प्लस बी ए माइनस बी कोई इफेक्ट नहीं है। तो इन दोनों को इंटू करने में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला आपका थर्ड ही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको अप्लाई तो करना है पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन आगे ना बढ़े, ये फार्मूला सेटअप ना हो, तब उस कंडीशन पे आप क्या करिएगा, हम आपको एक ऐसा ट्रिक देते हैं जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा जब आपके क्वेश्चंस फॉलो ना हो, वो कहलाता है कॉमन। एक बार आप कॉमन चेक करिएगा, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना, रामबाण या ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमन। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे। अब एट क्लास में आप ये तो ज़रूर जानते होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जानते हैं, बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको दो टर्म्स दिए हैं, सबसे पहले आप ये चेक करिए इनका स्क्वायर रूट क्या है। कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट की बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन देखिए, ये स्क्वायर है, हम किससे बिलोंग कर रहे हैं, दो टर्म, इसमें भी दो टर्म है लेकिन बाहर स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए दो टर्म जो ओपन है इससे मैच कर रहा है। हमने पहले ही आपको बताया थर्ड सबसे ज़्यादा यूज होगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, लेकिन नाइन का स्क्वायर तो नहीं है ना। यहाँ देखिए बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन 16 का स्क्वायर तो नहीं है। हमारे कहने का मीन्स है, दोनों अगर हमारे इसके पास, एक टर्म के पास अगर 10, 5, 15 कुछ भी हो, जितने भी बड़े हो, सबका स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसमें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बस नंबर का तो है ही नहीं है। तब फिर हम किसको याद करेंगे, स्क्वायर रूट को याद करेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। श्योर आप बोलेंगे सर 3, तो क्या हम इसे 3a को पूरा पैक करके ऐसे लिख सकते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए इनटू करके, 3 का स्क्वायर 9 और ए तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, माइनस 16 के स्क्वायर रूट 4 और बी। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये बन गया आपका बी स्क्वायर। फार्मूला हुआ थर्ड नंबर, फार्मूला क्या हमें शो करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लीजिए आप फार्मूला भूल रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं, तो आप एक काम करिए, जो स्क्वायर है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये स्क्वायर को बंद कर लीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर को आप बंद कर लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए और एक बार वो साइन को भी बदल दीजिए, ये हमने बदल दिया, सिंपल। अब ए के प्लेस पे क्या है,
थ्री ए का होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है फोर बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये चाहिए ना रिजल्ट, ए के प्लेस पे क्या है थ्री ए, स्क्वायर मत बोलिएगा, या फिर यहाँ पे भी आप फार्मूले को ही अप्लाई कर लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो आपको क्या दिख रहा है थ्री ए माइनस फोर बी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, और इसका साइन एक बार आप बदल दीजिए, ये आपको आंसर मिल गया। बताइए कितना टफ था, कुछ भी टफ नहीं था। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्या इसका स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। क्या 12 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। तो जब हमारे ये सेटअप नहीं हो रहा है तो हमने आपको क्या दिया कि वहाँ पे आप क्या चेक कर लीजिए कॉमन, सिंपल। अब इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है थ्री, क्या थ्री के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो थ्री हो गया आपका कॉमन। तो अंदर क्या आपको रिमाइंड मिला एक्स स्क्वायर थ्री फोर जा 12। अब इसे आप बिग ब्रैकेट में रख लीजिए, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसी के थ्रू पे। देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया ए के प्लेस पे, बी स्क्वायर क्या फोर का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता है टू। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, भाई फोर का क्या होता है टू, टू का स्क्वायर लिख दिए। अब भी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने आपसे पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा यूज यही फार्मूला होगा। अब आप थ्री लिख दीजिए, थ्री आउटसाइड है ब्रैकेट, क्योंकि फार्मूला तो इसका होना है, थ्री से नहीं, ये तो आंसर है। अब इसका स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो आपको क्या दिख रहा है एक्स माइनस टू, और इसका साइन आप बदल दीजिए, ये बेस्ट ट्रिक होगा, आपको फार्मूला देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर है कि सर हम ये फार्मूला अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर इसके जगह हम ये अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या हम इसमें ये अटेंड कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए के प्लेस पे क्या है ये है नहीं, हम इसे ए मान लेते हैं ना, और ये बी हम इसे बी मान लेते हैं, सिंपल। तो आपको जो पसंद है इनमें से वो अटेंड करिए। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, ये ए के प्लेस पे है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कैपिटल ए ले लो और इसे हम बी कैपिटल बी ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या हुआ ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आप भूल जाइए तो आपको क्या मिलेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ए स्क्वायर ये है आपका, बी स्क्वायर ये है, साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, एक ब्रैकेट बनाइए ए प्लस बी, एक साइन हम यहाँ प्लस लेंगे, ये देखिए फार्मूले में प्लस और ए माइनस बी। अब श्योर है प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप माइनस करेंगे ए प्लस बी हमने किया और ए माइनस, तो आपको एक और ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस अंदर एंट्री होगा, होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए बी से बी कैंसिल, तो ए में एक ए प्लस ए करेंगे तो टू ए। अब ब्रैकेट ओपन मत करिएगा, अभी ओपन हमें करना है, ए प्लस बी माइनस अंदर एंट्री करेगा तो ये ए क्या हो जाएगा माइनस ए, और माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए से ए यहाँ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला हमें टू ए, और यहाँ पे क्या मिला बी प्लस बी टू बी, क्योंकि मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये बात याद रखिएगा। कैसे, जैसे ये दो ब्रैकेट हैं, इन दोनों के बीच कौन साइन है इंटू, जैसे टू ए बी सटे हुए हैं, इन सभी के बीच इंटू का साइन है। अब इंटू कर लीजिए टू टू जा फोर, ए में बी का ए बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हैं सर मैं ये फार्मूला नहीं अटेंड करना चाहता हूँ, इसका फर्स्ट और सेकंड करना चाहता हूँ, तो उसे भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। माइनस हमने आपसे पहले बताया, माइनस साइन जब भी आए तो आप ब्रैकेट ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आपका 100% रॉन्ग होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है या नहीं। अब माइनस का अंदर एंट्री करिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए बी, और ये माइनस का प्लस में इंटू करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, अब टू ए बी प्लस टू ए बी तो कितना हो जाएगा फोर ए बी,
ये आपका आंसर है। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखिए 4ab। नाउ फोर्थ नंबर, अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से, या तो आपको अगर पसंद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्ड नंबर, तो ये इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, सिंपल। अब देखिए a के पूरा कंप्लीट स्क्वायर है, रहने दीजिए, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया a का प्लेस, माइनस b के प्लेस पे देखिए 9, तो ये तो z का स्क्वायर है, 9 का थोड़ी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3z का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3z कर लिए। अब इसका फार्मूला में पुट कर दीजिए, a के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2x प्लस 3y और प्लस 3z, ये फर्स्ट, और सेकंड 2x माइनस प्लस 3y सॉरी, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज 3z। अब आप सोचेंगे सर इसमें आपने ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक ही टर्म है, वो ऑलरेडी देखिए माइनस हो गया, सिंपल। अभी कौन सा आगे साइन था, प्लस, माइनस हो गया, ये आपका आंसर है, सबसे स्मॉलेस्ट। और अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, सबसे पहले आपका टारगेट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, या तो फिर दोनों में स्क्वायर पहले से बन, देखिए इसका स्क्वायर बना हुआ है इसलिए हमने अभी तक स्क्वायर स्क्वायर रूट की बात नहीं की। इसमें देखिए एक्स का तो है लेकिन नाइन का नहीं है, तो नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है, थ्री। क्या हम थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वन का स्क्वायर रूट आप ऑलरेडी जानते हैं, वन ही होता है। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, क्या होता है, 12। अगर आप 12 में 12 का इंटू करेंगे तो 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट 12। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आपके सामने है फार्मूला। तो आप इसका स्क्वायर भूल जाइए, और आपको क्या दिख रहा है वो बताइए, तो 3x दिख रहा है, यहाँ माइनस 1/12, ये पहला हो गया। अब सेकेंड आप क्या करेंगे, 3x प्लस 1/12, सिंपल, ये आपका आंसर। आप चाहे तो इसमें एलसीएम भी कर सकते हैं। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं, अरे यहाँ तो 5 है, हमें तो स्क्वायर, अभी तक हम जितने क्वेश्चन की स्क्वायर थे यहाँ तो 5 आ गया, अरे ये तो बहुत कंफ्यूजन है, 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो जब ना हो उसके लिए हमने आपसे क्या बताया था, कॉमन, वहाँ पे आप कॉमन चेक कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है, क्या 3 के टेबल में ये आएगा, तो चेक करते हैं, 4 + 3 = 7, 7 = 9, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 कॉमन। अब एक्स यहाँ पे कितने हैं, 5, और यहाँ पे कितनी है उसकी डिग्री, 1, जब ना हो वहाँ पे 1 होती है, तो एक्स भी आउटसाइड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये तो आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 3 आउटसाइड, एक्स 1 आउटसाइड हुआ, तो यहाँ पे कितने एक्स बच गए, 4, माइनस, अब 3 8 = 24 और 3 1 = 3, एक्स आउटसाइड। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 3x, लेकिन हमने तो जितने को फार्मूले देखे सभी स्क्वायर में हैं, तो क्या करें, और यहाँ पे हमारे पास तो 4 आ गया, तो क्या 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि पावर का पावर इंटू हो जाता है, क्या होता है, इंटू होता है भाई, एक्स पावर एम पावर एन इज्क्वल टू एक्स एम इंटू एन, ये फार्मूला होता है। अब माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। चलिए अब फार्मूला अटेंड करते हैं, 3x, अब ये सोच लीजिए स्क्वायर नहीं है, यही आपको फार्मूला ट्रिक बताए, तो आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, और सेकेंड दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आपका आंसर है। लेकिन आप चाहें तो इसे और आगे तक कर सकते हैं, कैसे, 3x अभी और हो जाएगा, यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा, क्या हम इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी तो फार्मूला है, देखिए, हाँ इसका फार्मूला हमने नहीं बताया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप चाहें तो उसे भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अभी आइडेंटिटीज़ में नहीं है। चलिए इसका स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो x माइनस 3 हमें दिख रहा है,
और एक बार साइन चेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आपका आंसर है। नाउ सेवन नंबर, अब देखिए सेवन नंबर आपके थर्ड नंबर के जैसे तो है, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेंटर पे कौन साइन है, माइनस, इसको ज़रूर देखा करिए, अगर माइनस है तो तुरंत आप समझ जाइए थर्ड में जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस का साइन है, अब लेकिन ये स्क्वायर x प्लस वाई का है, 16 का तो नहीं है, तो 16 के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, या बिग ब्रैकेट कर लीजिए ऐसे। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है ही है, 25 को भी हम 5 और ब्रैकेट एक्स माइनस 3 वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपका फार्मूला बन गया कि नहीं बना, ये ए स्क्वायर हुआ और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर, तो हमने फार्मूला क्या बताया कि इसके स्क्वायर को भूल जाइए। अब आपको क्या बच गया, 4x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस साइन कर लीजिए क्योंकि प्लस हमारे लिए बहुत आसान होता है, और 5x माइनस 3y, ये आपका फर्स्ट बना, देखिए बीच में प्लस, अभी माइनस को भी करना है, तो 4x प्लस वाई, और यहाँ जैसे ही माइनस आएगा तो साइन तो बदलना है, तो ब्रैकेट आप चाहे तो 5 का इनटू भी कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं, 5 में x का 5x, 5 थ्री जब 15, माइनस 15y, ठीक है, इसका भी इनटू कर देते हैं, तो 4x प्लस 4y प्लस 5 में x का 5x प्लस माइनस माइनस 5 थ्री जब 15y, ये आपका एक ब्रैकेट का हुआ, और सेकंड 4 में x का 4x प्लस 4y, माइनस का अंदर एंट्री करिए तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 15y। अब इसे कंप्लीट करते हैं, x x में ऐड हो तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4x 9x, 4y माइनस 15y 11, ये आपका आ जाएगा माइनस 11y। चलिए फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड में आते हैं, 4x माइनस 5x माइनस x, और 4y प्लस 15y 19, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस 19y। अब देखिए माइनस है तो चाहे ये आपका आंसर है, लेकिन आप चाहे एक माइनस हम बाहर निकाल दें सर तो आप निकाल सकते हैं, बाहर आउटसाइड कर दिए, इसमें से ये ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना है, हमने यहाँ से माइनस आउटसाइड किया तो x के पास कौन साइन आ जाएगा, प्लस, और ये साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस, इसे बाद में लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 81 है, वही आपको सेटअप करना है स्क्वायर स्क्वायर रूट से, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर हो गया, लेकिन p यहाँ पे 4 है तो वही बात हो गई ना, हम पावर टू दी पावर कर सकते हैं, 2 2 4 लिख सकते हैं, इंटू करेंगे तो फिर से पी पावर 4 हो जाएगा, सिंपल। तो आपको ब्रेक करना है कि इसमें स्क्वायर फॉर्म पे, तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, उसका साइन अगर हम हटा दें तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब ए के प्लेस पे देखिए 9 है, अब बी के प्लेस पे क्या है, पी स्क्वायर पावर 2। चलिए पुट करते हैं, स्क्वायर को अगर हम सर्कल बना दें तो हमें क्या दिख रहा है, 9 माइनस पी स्क्वायर एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट 9 प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए प्लस तो आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे एक बार और ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, कैसे, 9 के स्क्वायर रूट हम 3 के स्क्वायर कर सकते हैं और पी का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट, और ये तो आपका फाइनल आंसर है क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। अब फिर से फार्मूला अप्लाई करिए, यही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 3 माइनस पी और दूसरा 3 प्लस पी और यहाँ पे आ गया आपका 9 प्लस पी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए 9 नंबर भी इसी वे पे करते हैं, हमारा टारगेट है स्क्वायर फॉर्म पे बनाना और फार्मूले को रेडी, अब यहाँ 4 है तो क्या हम इसे x पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू करके देख लीजिए, 2 2 4 x पावर 4, सेम ऐसे ही करिए। अब देखिए कोई भी नंबर आए तो स्क्वायर स्क्वायर रूट जरूर चेक करें, तो ये 4 y
पावर टू लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और वाई का स्क्वायर 2 2 4, सिंपल। अभी आपका फार्मूला रेडी। ए के प्लेस पे देखेंगे फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए के प्लेस पे देखिए एक्स स्क्वायर पावर टू माइनस बी प्लेस पे 4y स्क्वायर पावर 2। चलिए पुट करते हैं। अगर हम स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और दूसरा हमें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए सेंटर पे कौन सा आना है, प्लस, प्लस वाले का कोई फार्मूला नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बस इसे एक बार और सॉल्व कर लें। देखिए एक्स स्क्वायर ये तो पहले से बना हुआ है, क्या 4 को हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब 2y का होल स्क्वायर, फिर से फार्मूला होने के लिए रेडी है, और ये आपका आंसर है क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अब फिर से वही फार्मूला, ये अगर हम इसका स्क्वायर भूल जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 2y। अब एक बार साइन बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए एक्स प्लस 2y, और ये आपका तो पहले से ही आंसर था, ये आपका आंसर है। चलिए 10th नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ 12 है यहाँ 4 है, अब कन्फ्यूज़न वाली बात है, 4 को तो हम 2 2 लिख सकते हैं लेकिन इसे क्या लिखें, 2 पावर 6, तो सेट नहीं होगा, 6 पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपसे क्या बताया था, आप जब भी कन्फ्यूज़न आपको फील हो तो आप कॉमन चेक करें, क्या चेक करें, कॉमन। यहाँ पे एक्स कितने हैं 12, यहाँ पे एक्स कितने हैं 4, जो सबसे कम होता वही कॉमन कहलाता है। क्या होता है, जो आपके पास सबसे कम होगा वही कॉमन होगा। देखिए एक्स कितना है 4, यहाँ 12 है, तो सबसे कम कितना डिग्री है 4, वही आपका कॉमन हो गया। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 12 है, इसमें भी आपका 4 कॉमन है सबसे कम। अब आप जो अंदर रिमाइंड हुआ उसे लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स कितना था 12, बाहर कितना निकल गया 8, तो बचे कितने 4 निकले तो 8, 12 माइनस 4 8। वाई तो पूरा आउटसाइड है, आगे देखते हैं, एक्स पावर 4 ये पूरा आउटसाइड है, वाई कितना है 12, कितने निकल गए 4, तो बचे कितने 8। चलिए भी हो गया। अब आते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमें स्क्वायर चाहिए जो कुछ भी हो जाए, कैसे, ऐसे आप कोई भी माइंड सेटअप करिए, स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ 8 है, अरे 2 का टेबल अटेंड करिए ना, 2 में कितने टाइम्स आप इनटू करेंगे तो 8 आएगा, सिंपल 8। तो आप क्या करेंगे, एक्स पावर तो पहले से ही 2 लिख दीजिए, लिख लिए, जैसे यहाँ वाई है, वाई का पावर थोड़ा सा स्पेस इतना छोड़ के यहाँ पहले से 2 कर लीजिए। अब आप बताएं 2 में क्या इनटू करेंगे कि 8 आएगा, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 4 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, 2 4 8, बन गया आपका फार्मूला रेडी। अब आप फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा, चलिए राइट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए पुट करते हैं, एक्स पावर 4 वाई पावर 4, ये आपका प्लेस ए है, ये आपका प्लेस बी है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर भूल जाएं, फार्मूला अटेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 मिलेगा नहीं मिलेगा, ए माइनस बी, देखिए ए ये वाला हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, ए के प्लेस पे एक्स पावर 4 बी के प्लेस पे वाई पावर 4, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स पावर 4 प्लस बी के प्लेस पे वाई पावर 4, ठीक है भाई। ये ए के प्ले, आप हम जानते हैं आप कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे कि सर स्क्वायर है यहाँ 4 लिख रहे हैं, इसलिए कि ए की जगह में हमें क्या दिख रहा है, एक्स पावर 4, और b के प्लेस पे क्या दिख रहा है, y के पावर 4, तो ये a हुआ ना ये b, तो हम a के प्लेस पे x पावर 4 लिखे हैं भाई, ये तो स्क्वायर हटा ना, बाकी तो सभी a b हैं, ठीक है। अब प्लस का जो है वो आंसर है, प्लस आपका फाइनल आंसर। अब इसे अब फिर से सॉल्व करें, तब तक आप कंटिन्यू लिखें। अब इसे क्या लिख सकते हैं, फिर से स्क्वायर बनाइए, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, और दूसरा क्या है आपका, x पावर 4 प्लस y पावर 4, ये आपका आंसर है।
ठीक है, ये आंसर है और ये आंसर है, सिर्फ हम इसे कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर से फार्मूला, यही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर हम भूल जाएं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर ए के प्लेस पे और वाई स्क्वायर बी के प्लेस पे, ये दिख रहा है। और दूसरा ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। और लास्ट में आपका ये लिखा हुआ है एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर। अब यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई होगा, तब तक आपको करना है जब तक कि फार्मूला कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका भी स्क्वायर भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसे भी लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर, इतना लेंथी आपका आंसर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब 11 नंबर में यहाँ पे देखिए सभी नंबर के स्क्वायर रूट बन रहे हैं, देखिए 16 बिल्कुल बन रहा है, 25 के स्क्वायर रूट 5 होता है, 9 का 3, तो जब सभी बन रहे हैं तो बना ही लेते हैं, अगर ना बनते तो कॉमन, तो इसे हम 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 25 का क्या होता है 5, 9 का 3 और a 2 है, तो हम इसे स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 3 3 जा 3 स्क्वायर है ना, 3 3 जा 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए पुट करते हैं, ये ए आपका 4a है और बी आपका 5 अपॉन 3a है, तो चलिए पुट करते हैं, ए के प्लेस पे 4a प्लस बी के प्लेस पे 5 अपॉन 3a, फर्स्ट सेकंड। अब साइन चेंज कर दीजिए, वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज कैसे, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, आप चाहें तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने की क्या ज़रूरत है जब हमारा थर्ड नंबर फार्मूला अटेंड हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भूल जाइए और लिख दीजिए, तो स्क्वायर अगर हटाएं तो हमें क्या दिखेगा एक्स प्लस टू, और ये अगर फार्मूले के ऊपर है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस एक बार ले लीजिए, तो एक्स प्लस फोर पहला हुआ, सेकंड। अब इसके जगह में आपको माइनस लेना है, और हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस जैसे आए ब्रैकेट आपको करना ही है, एक्स प्लस फोर। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 2 6, फर्स्ट हो गया, सेकंड ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस अंदर एंट्री होगा माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस फोर, एक्स एक्स कैंसिल। अब यहाँ टू माइनस फोर तो माइनस टू आएगा ना, तो माइनस टू ब्रैकेट 2x प्लस 6, ये आपका आंसर है, या तो चाहे तो टू और कॉमन ले लीजिए, तो माइनस टू इंटू टू, तो अंदर आपको क्या बचेगा एक्स प्लस 2 3 जा 6, ये टू का इंटू करेंगे तो माइनस 4x प्लस 3, ये आपको आंसर मिलेगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी मालूम है कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं, ये स्क्वायर आप भूल जाइए, ऑलरेडी आपका फार्मूला सेट हो जाएगा, ए माइनस बी यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस है, तो इसमें आपको ब्रैकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स माइनस वाई, ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि कोई भी ऐड हो ही नहीं रहा है। दूसरा ए माइनस बी और यहाँ पे आपका माइनस साइन, तो ब्रैकेट तो कंपलसरी है क्योंकि अंदर साइन चेंज होगा ही होगा, सो ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई, ये तो फाइनल आंसर है। दूसरा साइन चेंज होगा
माइनस अंदर एंट्री होगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब फाइनल आंसर क्यों है? क्योंकि कोई वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल से कभी भी प्लस या माइनस नहीं होते। आप देख लीजिए सभी वेरिएबल्स अलग ही आपको दिखेंगे दोनों ब्रैकेट में। ए तो दूसरा ए है ही नहीं, बी दूसरा है ही नहीं है, ये तो इसमें है। आप चाहें तो इंटू कर सकते हैं, इंटू करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, x पावर 8। अब 8 है, स्क्वायर तो बना नहीं है, तो भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ 2 पहले से लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं। अब 2 में इंटू करिए, किसका इंटू करेंगे कि 8 होगा, 2 4 जा 8, यहाँ 4 कर लीजिए, सिंपल। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप भूल जाइए, आपका फार्मूला रेडी। तो क्या आ गया आपका x पावर 4 माइनस 1, और एक आया x पावर 4 प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है प्लस वाला। अब आते हैं माइनस पे, फिर से इसे करेंगे, फिर से आप 2 लिख लीजिए बाहर। अब बताइए 2 का किस में इंटू करेंगे, 4 आएगा 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो आपका फाइनल आंसर है, प्लस आ गया सेंटर पे तो आंसर है वो। अब फिर से स्क्वायर, इसके स्क्वायर को भूल जाइए, फिर से फार्मूला बन गया। तो दूसरा फार्मूला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका आंसर है जैसे इसमें फर्स्ट में आया था। अब फिर से हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये फिर से फार्मूला रेडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से इसके स्क्वायर को भूल जाइए। तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 1 और दूसरा क्या बनेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस 1, ये आपका आंसर है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, x पावर 5 x पावर 3। तो ये तो 2 का पेयर बन नहीं रहा है, 2 के टेबल में यह सब आते नहीं है। तो जब आपका क्वेश्चन आगे ना बढ़े तो हमने क्या बताया था, कॉमन। यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, सबसे कम कौन सा है, 3 कॉमन आ गया, और ये आंसर भी है आपका, क्योंकि ये कॉमन आ गया मतलब आंसर हो गया। तो कितने बच गए, यहाँ 5 है 3 आउटसाइड हुए, 2 बच गए ना। अब ये 3 तो पूरे के पूरे आउटसाइड हैं, तो यहाँ पे क्या रिमाइंड है 81। चलिए अंदर तो हमें सॉल्व करना है, ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, क्यों, इसका स्क्वायर तो पहले से ही है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, और ये आपका फार्मूला सिंपल। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर तो आपको फाइनल आंसर है, ब्रैकेट यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, स्क्वायर भूल जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, x माइनस 9 और x प्लस 9, ये आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी इसमें एडिशनल वर्क करना है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव नाइस डे।